तो कीपर लोग को फर्स्ट से लेकर इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। स्वॉर्ड मास्टर डोंग ये सब है ना गाउचे के बारे में यहाँ पे बातचीत करते हैं, उसके बारे में बातचीत सुनकर डोंग को भी बहुत ही अच्छा लगता है। यस भाई मेरा भाई है, किसी से कम थोड़ी ना होगा। सामने से स्वॉर्ड मास्टर सोचते हैं कि हाँ गाउचे की बातों में ना उसका एरोगेंस उसका घमंडपन यहाँ पे दिखाई देता है, लेकिन उसने चेन को एक मारा था जो हमारे स्वॉर्ड सेठ का डिसाइपल यहाँ पे था जो कि बुरा बन चुका है। तो ऐसा बुरा जब कोई डिसाइपल बनता है ना सेठ का नाम यहाँ पे खराब होता है, यानी देखा जाए तो उसने हमारे नाम खराब होने से बचा लिया, इसलिए हमको भी गर्व है किसके ऊपर गाउचे के ऊपर। उसके बाद जो स्वॉर्ड मास्टर है ना डोंग से ये भी पूछता है तुम्हारे एक डिसाइपल यहाँ पे था यांग शू जिसका नाम है ये वो वापस आया था क्या, या उसने तुमको कोई लेटर देके बताया क्या, ये कहता नहीं और आपको उसके बारे में कैसे मालूम। हाँ मेरा डिसाइपल यहाँ पे था जो बहुत पहले सेठ से बाहर यहाँ पे एडवेंचर करने गया था और अभी तक वापस यहाँ पे लौटा नहीं है, आपकी उसके साथ मुलाकात हुई क्या, ये कहता यस मेरे दोस्त यहाँ पर है सीनियर लू उनके पास में गया था ना मिलने के लिए, हाँ तो उनके लिए वो यांग शू यहाँ पे काम करता है और उनका डिसाइपल यहाँ पे बन चुका है, इन शॉर्ट इनहेटर बन चुका है, यानी जब ये सीनियर लू मरेंगे ना तो मरने तो उनकी जो भी पावर जो भी चीजें ना ये यांग शू इनहेरिट यहाँ पे करेगा। जैसे ये सुनती है ना एकदम हिल जाती है, एक सेकंड मेरा डिसाइपल यांग शू उनका डिसाइपल यहाँ पे बन चुका है, क्योंकि वो जो सीनियर लू है ना कोई ऐसे वैसे बंदे यहाँ पे नहीं है, हमारे डायनेस्टी के जो चार सबसे स्ट्रांगेस्ट बंदे आते ना उनमें उनका भी नाम आता है, जो अपना एल्डर यहाँ पे था ना वो देखे कहते हैं एक सेकंड जो इसका डिसाइपल यांग शू वो सीनियर लू का डिसाइपल बन चुका है, एक सेकंड यार वो इसका डिसाइपल है डोंग का और डोंग मेरी डिसाइपल है और वो उसके हिसाब से तो भाई जो मेरी औकात यहाँ पर हो गई ना वो सीनियर लू से यहाँ पे ज्यादा हो गई, ओ माय गॉड मेरी औकात तुम सबसे यहाँ पे ज्यादा है। तो सामने से स्वॉर्ड मास्टर समझाते कि नहीं नहीं अपने इनहेरिटर यहाँ पे बना लिया है, ऑफिशियली अपने डिसाइपल यहाँ पे नहीं बनाया, इन शॉर्ट अपने पोते जैसा उनको ट्रीट करता है, यहाँ तक यांग शू भी ना दादा दादा उनको कहता है, जो सुनते सैड हो जाता है एल्डर और कहता है क्या बोरिंग है यार डिसाइपल बना लेता तब ना यार वो मेरा ग्रैंड डिसाइपल कहलाएगा और सीनियर लुओ का डिसाइपल यानी इन शॉर्ट मेरा डिसाइपल के बराबर उस लुओ का औकात यहाँ पे हो जाता है, लेकिन भाई सब तूने बोरिंग कर दिया, ये बोरिंग बोरिंग चला रहा है और अपनी डोंग तो हिली की हिली कि भाई मेरे डिसाइपल को इतना बढ़िया मौका मिल गया मुझे भी आइडिया नहीं था। स्वॉर्ड मास्टर सोचता कि भाई मैंने सेठ में आते ही देख लिया जो सेठ के दोनों भाई बहन इतने कमाल के, उनके जो भी डिसाइपल है सब एक से बढ़कर एक कमाल के, यानी आगे चल के जो मोस्ट सेठ ना बड़ा विकास यहाँ पे करेगा। फिशिंग शुद्ध कुछ समय बाद यहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर अकेले आसमान को देख रहा था और आसमान से ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जैसे वो हवा इसको महसूस होता ना ये कहता है डोंट नो काय को भाई इन हवा से मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आगे चल के कुछ तो बुरा होने वाला है, बहुत ही बुरा होगा। रात का समय होता है, ये एल्डर के साथ ना आराम से बैठ के चाय पी रहा था। स्वॉर्ड मास्टर कहता है वाओ मोस्ट सेठ ना काफी छोटा सेठ यहाँ पर था, मुझे लगा नहीं था मुझे यहाँ पे आते इतना टेस्टी चाय मिल जाएगा। एल्डर कहता भाई डोंग का अपन यहाँ पे मास्टर है और तू मेरा सीनियर लगता है, यानी उसके सीनियर मार्शल अंकल के बराबर है, हाँ तो हमारा स्वागत स्पेशल चाय से करेगी ना कि तेरे जैसा फालतू वाले चाय से। जो सुनने स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि वेल अरे नहीं यार मेरे यहाँ की भी चाय बहुत ही बढ़िया होती है और एक सीनियर मैंने तुझे कहा था कि चलो अपना काम हो गया यहाँ से वापस निकलते हैं, लेकिन तूने बोला नहीं दो चार दिन ना सेठ में और रुक जाते, मगर क्यों तुझे मोस्ट सेठ में रुकने का मन काय को है। जो सुनते एल्डर कहता है क्योंकि भाई हम बहुत दिनों से यहाँ से वहाँ बस ट्रैवल किया जा रहे, कितना ट्रैवल करेगा बेटे थोड़ा आराम ही आराम यहाँ पे कर ले। स्वॉर्ड मास्टर कहता है ओके ठीक है, फिर किसी गहरी सोच में ना खो जाता है। तो सामने से एल्डर कहता है बेटे क्या हुआ तू मुझे कोई गहरी सोच में यहाँ पे लग रहा है, भूल मत भाई मैं तेरा सीनियर यहाँ पे पहले था, मैं तेरे से ज्यादा बढ़िया था लेकिन धीरे 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 आगे निकल गया और स्वॉर्ड मास्टर तू बन गया, मुझे बनने का मौका यहाँ पे नहीं मिला, यानी मैं तेरा सीनियर हुआ करता था जी चक्कर पूरी दुनिया में, मेरे से अच्छा तुझे कोई जान ही नहीं सकता, तो मुझे बता भाई अपने बारे में जल्दी से बता, बता जल्दी से तू क्या सोच रहा है। ये कहता कुछ भी नहीं, दो दिन पहले जब यहाँ पर आए थे ना उस समय मुझे कुछ अजीब लगा था इसलिए मैं चेक करने के लिए ना सेठ से बाहर यहाँ पे निकला। जो सुंदर लड़का कहता तो हाँ भाई सेठ से बाहर निकला तो फिर क्या तुझे कुछ दिखा क्या, ये कहता कुछ भी नहीं। जो सुंदर लड़का भड़क जाता कहता साले भाई तो फ्यूम क्यों मेरा दिमाग का दही कर देता यार, इतनी ओवर थिंकिंग है ना आजकल के बच्चे नहीं कहते जितना तू यहाँ पे कर रहा है। आई नो भाई तू स्वॉर्ड मास्टर है, दुनिया बचाना बुरे लोग को मारना सेठ की प्रोटेक्शन करना यही तेरे दिमाग में घूमता रहता है, लेकिन अभी के लिए भाई हम लोग पिकनिक पे समझ आए, रिलैक्स अपने माइंड को कर, या देखो प्रॉब्लम आएगा सॉल्व लो खत्म करो, एक सॉल्व से नहीं होता दो सॉल्व लो खत्म करो, इतना टेंशन मत लो समझ गया क्या। वो कहता है या ये मैं समझ गया थैंक यू ज्ञान देने के लिए, ये भी कहता है गुड मैंने चाय पी लिया मैं वापस जा रहा हूँ थोड़ा बहुत अपना कल्टिवेशन भी कर लूंगा, देख ले कल्टिवेशन करने के बाद ना मैं वापस से स्ट्रॉन्ग बन के आऊंगा और तेरे से ज्यादा बढ़िया बन के तेरा सॉल्व मास्टर का टाइटल यहाँ पे ले लूंगा बाय। तो ये भी कहता बाय 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 मुझे इंतजार रहेगा उस दिन का। और उसके जाने के बाद अपना सॉल्व मास्टर नोटिस करता है चांदनी रात यहाँ पर यार घूमने का मन यहाँ पे कर रहा है, तो जो सेठ में ना यहाँ वहाँ घूमने लग जाता है और घूमते
घूमते हो, जो कब्रिस्तान यहाँ पे था ना, जहाँ पे एक सेटर थी अपनी बिल्ली जैसी गुलाबी बालों वाली, मतलब गुलाबी रंग वाली, उसके कब्रिस्तान के पास पहुँच जाता है और जहाँ पे ना इसको महसूस होता हो रहा, और जैसे हो रहा महसूस होता ना, ये चौंक जाता है, मनी मन सोचता है इस सेकंड में ये हो रहा मुझे महसूस हो रहा है, यानी वो यहीं पर है क्या। एंड देन ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है, यानी इसके रिएक्शन से इसकी बातों से लगता है शायद ये सेटर को यहाँ पे पहचानता है, तो सची में सेटर को पहचानता है या इसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, जो कुछ ना अगले एपिसोड में क्लियर हो जाएगा। तो मिलता है अगले किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।